नमस्ते, वोकल न्यूज शहडोल में आपका स्वागत है। मैं हूँ दिनेश वर्मा। हम हैं इस वक्त लल्लू सी तिराहा से लेकर दीनदयाल उपाध्याय बस स्टैंड के बीच में। और आप, मैं यहाँ क्यों आया हूँ इसका कारण देखिए, ये मेन सड़क है, ये मेन सड़क है। और सड़क की स्थिति ये है कि पिछले 6 महीने से ये सड़क बन रही है। 3,20,00,000 रुपए यहाँ ये सड़क बनने के लिए आया हुआ है। पिछले 6 महीने से ये सड़क बनाई जा रही है और इसकी क्या स्थिति है ये देख लीजिए। कैमरा साथी से कहूँगा कि यहाँ दिखाइए। और केवल यही नहीं, ये तो वो स्थान है जहाँ मैं दिखा पा रहा हूँ। इस बीच में कई ऐसी जगह हैं जहाँ सड़कें टूटी हुई हैं बिल्कुल। वहाँ अगर गाड़ी अगर पार हो तो बहुत धूल उड़ती है, बहुत ऊंच नीच है, तो इस वजह से गाड़ी चलाने में भी दिक्कत होती है। जबकि इसके लिए 3,20,00,000 रुपए आ चुके हैं, पिछले 6 महीने से ये बनाया जा रहा है। साथ साथ आपको ये भी जानकारी दे दूं कि मध्य प्रदेश महामहिम राज्यपाल मंगू भाई पटेल यहाँ आए हुए हैं। और यहाँ ठीक मेरे दाहिने तरफ यानी कि उस साइड में जो मेन सड़कें हैं उधर से उनको ले जाया जाएगा, यानी कि उस तरफ से वो जाएंगे, इस सड़क से नहीं। क्यों? इसका कारण यही है कि सड़क टूटी हुई है और जो सड़क टूटी होती है वहाँ से प्रशासन या जो मंत्री हैं या राज्यपाल होते हैं या बड़े जो अधिकारी होते हैं वो पार नहीं होते हैं, बल्कि मेन रोड से पार होते हैं और वो सड़क का जो जायजा है वो उनको नहीं मिल पाता है। और सड़क की स्थिति आप देख पा रहे हैं कि क्या स्थिति है। और भी आपको हम आगे प्रयास करेंगे दिखाने का और लोगों से बातें करेंगे कि यहाँ सड़कें क्यों नहीं बनाई जा रही है, प्रशासन की क्या इसमें ढिलाई हो रही है, क्यों प्रशासन सक्रिय नहीं है, ये सड़क जो है इसकी स्थिति इतनी बुरी क्यों है। ये नेता मंत्री ध्यान ही नहीं देते, खाली उनको जो आते हैं तो खाली ऊपर से हेलीकॉप्टर से आके चले जाते हैं। और यहाँ पब्लिक मरती है क्या करूँ, उनको तो कोई मतलब ही नहीं है। नाली है तो पूरी जाम पड़ी है, रोड है तो पूरी गड्ढा गड्ढा, पूरा सब नष्ट नाबूद बर्बाद है रोड है। कोई ना नेता ना मंत्री ना नगर पालिका कोई ध्यान ही नहीं देता है। तो प्रशासन के तरफ से भी ध्यान नहीं दिया जाता है? प्रशासन से भी कहाँ ध्यान दे, प्रशासन ध्यान दिया तो बनी ना जाती रोड ही ना बनती, जबकि पैसे इसके लिए आ गए हैं। अब पैसा हम लोग को तो नहीं पता है कि पैसा आया कहाँ क्या है। अब इसे अब तो आपको पता है, तो अब ये नगर पालिका गलती है, ये प्रशासन गलती है। ये ऐसा अक्सर हमेशा होता है, ये हमेशा का होता है का है? रोड नहीं बन रही है, नाली है देखिए जाम पड़ी है पूरी, जबकि प्रशासन भी इधर से ही पार होती है। वो उनकी गाड़ी भी पुलिस की गाड़ी में देख पा रहा हूँ कि इधर से ही जा रही है, फिर भी वो ध्यान नहीं देते। अरे कोई नहीं, कहाँ ध्यान देता है, पुलिस गाड़ी दिन मतलब मंत्री कोई कौन सा भी नेता कोई आए हुए हैं वो भी अभी गुजर फुजर रहे हैं बार बार दिन भर। पब्लिक को लिए भर रही है, पर रोड किसके लिए, पब्लिक के लिए रोड है कि खाली नेताजी लिए भर के रोड है? तो ऐसे तो अक्सर एक्सीडेंट देखने के लिए मिलता होगा। तो होता है एक्सीडेंट आए दिन डेली, हर दूसरे चौथे दिन होता है एक्सीडेंट होता है यहाँ। अक्सर ये घटना देखने को मिलता होगा भैया कि यहाँ कोई तरह की घटना हो रही हो या प्रशासन की तरफ से ढीली हो, यहाँ पैसे आए हैं लेकिन फिर भी सड़क नहीं बन रही है? हाँ, ये तो बहुत कमी है। सड़क का काफ़ी दिनों से यहाँ का ऐसा ही है, निर्माण कार्य नहीं हुआ है जिसके कारण एक्सीडेंट वगैरह की ज़्यादा संभावनाएं बनती हैं और हुई भी है इस रास्ते में, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक, तो कुछ नहीं हुई। तो इधर तो धूल उड़ रहे हैं जितने भी देख रहा हूँ, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चल रही हैं। हाँ। लेकिन फिर भी कोई प्रशासन ढीली है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहा हूँ, बननी चाहिए सड़क। बिल्कुल बनना चाहिए सड़क। हम हैं इस वक्त राहगीर के साथ। भैया सड़क क्यों नहीं बन रही है? यही से नहीं बन रही, सब खा जाते ही। हाँ पूरा ये नहीं बनता देते, सब खा जाते, लूट खा जाते हैं, पैसे सब खा जाते, खा जाते हैं। हाँ प्रशासन कौन खा जाते हैं? सब दलाल लोग खा जाते हैं, पुलिस वाले खा। हाँ, हाँ पुलिस वाले। अच्छा तो घटना हमेशा एक्सीडेंट होते हुए यहाँ? हाँ होता है, होता है एक्सीडेंट। हाँ फिर उनके तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हो रही? नहीं कुछ नहीं हो रही है। तो आपको देखने के लिए मिलता है कि यहाँ हमेशा घटना हो रही है? हाँ होता है। अच्छा तो हमने लल्लू सिंह चौराहा से दीनदयाल उपाध्याय बस स्टैंड के बीच में कई लोगों से बात की, जिससे पता चला कि यहाँ प्रशासन उतनी सक्रिय नहीं है जितनी होनी चाहिए। सड़कें टूटी हुई हैं, बड़ी बड़ी घटनाएं होती हैं और लोगों ने कहा कि ये सड़क बननी चाहिए, पैसे आए हुए हैं लेकिन नहीं बन पा रही है। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए वोकल न्यूज़ शहडोल। धन्यवाद।